ये स्कूल जड़े ने ये उगन ये छड़ा पढ़ाते नहीं हैं। आखते कताबा भी साढ़े को लाओ, वर्दियां भी साढ़े को लाओ, बूट भी साढ़े को लाओ, जराबा भी साढ़े को लाओ, डोगरी गली लाओ, फिर डोगरी गली रुकी। डोगरी की गल ये है कि नहीं जिन्नियां कताबा लगी दी ने इसलिए प्राइमरी को लेकर यूनिवर्सिटी तक एक भी किताब विच डोगरे का कोई जिक्र नहीं। पढ़ा करो है ना ये क्योंकि मैं ग्राई जीवन जीते दा, मैं ग्रां च पली बड़ी दी हाँ। उत्थों दी जिहड़ियां बच्चे दी पढ़ने दी परिस्थितियां होंदियां नी, घर वाले आखदे एक पासा आखदे पढ़ो, दूआ पासा आखदे काम करो, और स्कूल वाले भी उनेंगी इह आखदे, विच उहने बेचारे छुट्टियां मारनियां पौंदियां। की पढ़ा करो डोगरी उपन्यास। नमस्ते, तुस दिक्खा दे ग्रिड जम वर्चुअल, ते मैं पंकज खजूरिया। मैं नहीं तुसें आखा दा कि डोगरी उपन्यास पढ़ो, लेकिन ये किताब जिहड़ी है डॉक्टर सुरीता शर्मा ने लिखी, और अज इस किताब का जिहड़ा है विमोचन भी होया, और इस मौके उपर पूर्व मंत्री शाम लाल शर्मा और मेजर जनरल गोविंद सिंह जम्बाल साहब और उसके अलावा मोहन सिंह सलाथिया जिन्हें हाल ही जिहड़ा है पद्मश्री थोया और बाकी जिहड़े चेचे लोग मौजूद हे मेरे कन्नै सुरीता होर ने कुछ आखदे न। मैम तुंदी किताब रिलीज़ होई है, दो किताबां रिलीज़ होई केड़ी केड़ी किताबां? सर मेरी एक किताब जिहड़ी है मोह माया जाल रिलीज़ होई है, और वो जिहड़ा है वो नॉवल है, डोगरी नॉवल भी डोगरी च। हाँ, वो फुल लेंथ नॉवल है, ते जिहड़ी पढ़ा करो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर पर लिखी गई है, बच्चे की मतलब मनोविज्ञान उनका जिहड़ा है मतलब सारे आखदे न पढ़ा करो पढ़ा करो, लेकिन उनकी कंडीशनस उनकी परिस्थितियां जड़ियां होंदियां न उन्हें कोई नहीं दिखता है। प्रश्न भी ये है कि मतलब कि दिमाग जी किया आया कि पढ़ा करो डोगरी, अगले इं बड़ी चर्चा चला दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी डोगरी आई गई है, डोगरी पढ़ने पढ़ने पढ़नी चाहिए है, तो कुत्थुआं आया कि नहीं पढ़ा करो डोगरी एक टाइटल कन्नै जी किताब लिखी जा? सर जड़ा पढ़ा करो है ना ये क्योंकि मैं ग्राई जीवन जीते दा, मैं ग्रां च पली बड़ी दी हाँ। उत्थों दी जिहड़ियां बच्चे दी पढ़ने दी परिस्थितियां होंदियां नी, घर वाले आखदे एक पासा आखदे पढ़ो, दूआ पासा आखदे कम करो, और स्कूल वाले भी उनेंगी इह आखदे, बिच उहने बेचारे छुट्टियां मारनियां पौंदियां केईं घरै दे कम्में कारण, ते ओह जिहड़े न बच्चे बेचारे कन्फ्यूज होई जांदे न, ओह पढ़न ते कियां पढ़न उस परिस्थिति गी लेइयै लिखे। तुंदे कन्नै ते नहीं इ'यां होए दा, तुसें अपना पूरा जेहड़ा बचपन आला जेहड़ा ओह एक्सपीरियंस ओह शेयर कीता? मेरे कन्नै भी कुदा ना कुदा, क्योंकि मैं एक करसानी परिवार कन्नै संबंध रखनी आ, ते मैं ग्राईं ओह कम्म काज भी कीते दे न, और ओह चीज़ां मैं फेस कीती दियां ने, इस करियै एक ख्याल आया कि बच्चें गी दिक्खो खाली आखदे पढ़ा करो, लेकिन ओह माहौल उनेंगी केइयें मिलदा ऐ केइयें नहीं मिल पांदा ऐ, ते ओह ग्राईं बच्चें दी जिहड़ी स्थिति है ओह इ'यै नहीं है, उसी बंद ऐ करना कुदै ना कुदै। केह् सुनेहा देना चाहोगे हुण तुस किताब ते लिखी ओड़ी, सुनेहा केह् देना चाहोगे? सुनेहा एह् देना चाहुन्ने आं अभिभावकें गी भी चाहिदा है कि बच्चें गी हून या माहौल मिले ओह पढ़ी पान, और टीचरें भी कुदै ना कुदै बच्चें गी समझना चाहिदा, अगर कोई बच्चा कुसै कारणवश पिछड़ा दा है ओह की पिछड़ा दा है, ओह्दी मानसिक स्थिति गी जानना जेह्ड़ा है ओह बड़ा जरूरी है, नहीं तो ओह बच्चा बेचारा ओह्दी बुद्धि कुंद होई जाग, ओह घरै ते केह् करै, पढ़दा है जेकर ओह फिर ओह्दे घरै दे कम्म पिछे रेही जंदे न, और जे घरै दे कम्में च पेई जंदा है ते फिर पढ़ाई पिछे रेही जंदी है, ते ओह उनेंगी एक बैलेंस करने च उंदे अभिभावकें दा भी एक बड़ा योगदान होंदा है, और उंदे टीचर्स दा गुरुएं दा भी बड़ा योगदान होंदा है कि उंदी उस रिहायशी गी समझन। जियां में इसलै कॉलेज हाँ, केईं बच्चें दी ऐसियां परिस्थितियां होंदियां न कि अच्छा बच्चे बेचारे बड़े दूर ग्रां दा आंदे न, लेकिन ओह उस टाइम दी क्लास अटेंड नहीं करी सकदे, अच्छा इनेंगी एक्स्ट्रा क्लास लानी है, कोलै लानी है, कियां लानी? अजकल ते जेह्ड़ी डिजिटल अटेंडेंस है, अजकल ते ओह सिस्टम नहीं। हाँ, अटेंडेंस डिजिटल है, लेकिन बच्चें दी डिजिटल नहीं है, बच्चे लिए परेशानियां हैन, उंदे लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुके दा है, जेहड़ी दिक्कत परेशानियां दूर दराज क्षेत्र च साढ़े समाज च जेहड़ियां हैन ओह तुसें इसी जेहड़ा लिखने की कोशिश कीती दी है, लेकिन तुस चाहुंदे हो कि ओहदे उपर भी जेहड़ा किश ना किश कार्रवाई होनी चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल, इयै चाहगे कि अगर ऐसे दूर दराज दे लोग न ओहदे उपर एक सरकार की भी जिम्मेदारी है उनेंगी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होन, घर आह्लें दी जिम्मेदारी है कि उन्हें बच्चे वक्त देन, और बच्चे की भी जिम्मेदारी है जिहड़ी कि अजकल काफ़ी बच्चे च जिम्मेदार नहीं हैन,
वह अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, वो सोशल मीडिया की चलाघन उस टाइम की गल है जो अस पढ़ते हे ये पढ़ा करो जो उपन्यास है ना ये साढ़े पर पूरा लागू हों अजकल किश अद्धी जनरेशन बच्चे एक गल तो तुम बड़ी सही आखी है कि सारे रली मिली करन तो गड्डी फिर चलती है एक टायर से भी हवा घट होते हो चाहे फिर अभिभावक हो चाहे वह टीचर हो चाहे वह स्टूडेंट खुद क्यों ना कुदै हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है भावें वह बच्चा है भावें अभिभावक तो भावें उनके टीचर वैल किताबा निकलना तो शुरू हो ये भी बड़ी खुशी की गल है लेकिन जिहड़ियां भी किताबां आवा दियां न उहदे च डोगरा हिस्टरी विच नहीं मैंने कोई किताब अच्छी दिखी ये भी एक कारण सर्च बड़ी घट हो रही क्योंकि डोगरा क्यों रिसर्च घट हुई क्योंकि 75 साल च जिन्नी भी किताबां निकलियां न मैं सब दिखियां और स्कूलें दी जिन्नियां किताबां लगी दियां ने इसलै प्राइमरी कोलों लेइयै यूनिवर्सिटी तक एक भी किताब विच डोगरें दा कोई जिक्र नहीं डोगरा रियासत कियां बनी पता हिंदुस्तान दी 565 रियासतें विच नंबर 1 रियासत सारे को बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर है डोगरें दी बनाई दी और एक अद्भुत रियासत है इस रियासत दे उपर इस दे रियासत दे बनने पर अगर नपोलियन पर 5000 किताब लिखोई सकती है तो जनरल जोरावर सिंह पर एक किताब नहीं लिखोई दी कमी डोगरे नहीं लिखते डोगरे नहीं ज्यादा पढ़ते नहीं लिखते और 75 साल तोड़ी दे 75 साल दे पहले आज़ादी तक तो यह है तुम दिखी लो मैं दसो कि किताबा साढ़े पर लिखोई दी बहुत ही कम मैं आखना जल्ले मैं स्टाफ कॉलेज जाना हाँ 1961 विच तो मैं जनरल जोरावर सिंह दे उपर उत्थे एक लैक्चर देना पौंदा है और दैट इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ द आर्मी इन इंडिया हिंदुस्तान उहदे च बाहर दे मुल्क दे सारे दे अमेरिका आस्ट्रेलिया कैनेडा सारे मुल्क दे 70 75 70 50 70 कैंडीडेट 12 आए दे होंदे मैं आखिया नहीं डोगरा हिस्टरी की एक झलक दसने और जनरल जोरावर सिंह का सब्जेक्ट है 1961 की गल है जिसलै मैं उन्हें उनकी कहानी सुनाई 20 मिनट फील्ड मार्शल मानिक शाह चेयर पर बैठे दे पिन ड्रॉप साइलेंस अमेरिकन आखदा मेजर विलियम ई याद आउंदा सिनेमोस्ट इसे इस मेजर जामवाल टेल अस द स्टोरी अबाउट जनरल जोरावर सिंह यू हैव टोल्ड अस इज इट ए ट्रू स्टोरी आर ए मिथ लाइक योर रामायण एंड महाभारत आई सेड नाइदर रामायण महाभारत वेर मिथ्स नार जनरल जोरावर सिंह स्टोरी And it is written by Cunningham in his book Ladakh or Reed are one of the best Indian writers Panikkar who has written founding of the Jammu and Kashmir state I was looking for that book of book kitab ka nahi labba hun bhi mere hal lupta ho oh kitab itni achhi hai sadi riyasat de bare vich ki oh dogri ch anuvad ho deni chahiye har ek university aur college oh ek प्रिस्क्राइब्ड बुक होनी चाहिए थी। अच्छा जम्मू के अंदर यूनिवर्सिटी बड़ी है वैसे जिस बुक का तो जिक्र कर रहे थे मेरे को बाय द वे है वो फॉर्चुनेटली लेकिन वो यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर बड़ी कम से कम 6 यूनिवर्सिटी हैं तो ये लगता नहीं कि उन्हें कलस्टर बनाई है इस उपर काम करना चाहिए जिन्ने चिर यूनिवर्सिटियाँ इस पर काम नहीं करगन जिन्ने चिर साड़ा जरा बोस है या करिकुलम बनाने लिखने वाला सैट करने वाला वो नहीं काम करगन एजुकेशन तो हो ही नहीं सकती ये इन्हें लैक्चरें च या इन्हें सेमिनार्स बिच किन्ने के लोगों ही पूछ सकते तुस अद्धा घंटा घंटा बोले तो वो ये लोग क्योंकि बच्चे इधर नहीं ज्यादा बच्चे बिल्कुल अनअवेयर जब भी मैं कुछ बाहर जाना सवाल पूछना कि जनरल जोरावर सिंह के बारे वो एक दूए ही दिखते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ही सेवियर ऑफ कश्मीर आखते हैं और आर्मी कमांडर एक लैक्चर दिया दे है तो वो आखन लगे कि पता नहीं जम्मू के लोगों को क्या हो गया वो केरला के थे जम्मू में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की उनको हमने थोड़ी सी कहानी सुनाई वो कहने लगे कि ये तो शिवाजी की तरह पूजने योग हैं अगर वो नहीं होते तो ये रियासत नहीं बन सकती थी
और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं होते तो अंग्रेज़ों ने जो बदमाशी करके एक डिसेप्शन करके अटैक करवाया अंग्रेज़ों से और हमारे ही डोगरा ट्रुप्स को उन्होंने बरगला के अगेंस्ट करके मुजफ्फराबाद पर 22 अक्टूबर को जो हमला किया वो हम कभी बच ही नहीं सकते थे। उसको अभी बोलते हैं काला दिवस। क्यों बोलते हैं काला दिवस? वो अभी कुछ पिछले साल ये बरखा दत्त ने मेरी इंटरव्यू की, उसने कहा कि 22 अक्टूबर का काला दिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने उसको कहानी सुनाई, वो उसने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं उसमें कि किस तरह से ये अंग्रेज़ों ने धोखा करके हमारे ऊपर हमला किया। पर डोगरा 100 डोगरा निकले श्रीनगर से, ये सब कुछ पता, लेकिन हुन फिर के सुनेहा देना चाहते हो तुस? पता भी चलिए तुस क्यों बाहर आ दे हो इन्नी उम्र च भी, तो इन्ना जद्दोजहद करा दे हो, के तो एक ही रख दो, क्यों उम्मीद रख दो कि जिसल तुस बाहर आए तो जी तुंदी ऑडियंस है जेडे जिंदे समर्थन च तुस आनी है बुक रिलीज आनी है तो जिंदी बुक रिलीज कर दो, के एक ही रख दो उंदे कोला? बड़ा क्लियर है मेरा, मैं इस वास्ते बाहर निकले हाँ भाई 95 साल उम्र च कि अजे भी 75 साल आज़ाद होने के बाद और 370 जाने के बाद भी जिहड़ा काम होना चाहिए वह शुरू नहीं होया। के रख दे यूनिवर्सिटियों विच भी जिन्ने चिर डोगरा हिस्ट्री नहीं इंट्रोड्यूस होग और हर एक किताब च डोगरा हिस्ट्री के बारे च और साढ़े वो योधा साढ़े वो लीडर जिन्हें वो कारनामे किए दे जोरावर सिंह है बाज सिंह है मेहता बस्ते राम है मोहम्मद खान जनरल है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह बहुत कमाल उन्होंने स्टडीज़ की। अगर तुम एक निकी जी उड़ी का ब्रिज नहीं उड़े दा होंदा और उसके कोला पहले गढ़ी की एक लड़ाई कैप्टन प्रीत सिंह उसके गुड़े दे जो उन्हें एक्शन किया तो वर्ल्ड क्लास पता नहीं कुछ सब। प्रश्न ये है तुंदे कन्ने कि हुण तुस इंदे कोला की इक ही रखदे हो कि चलो तुस इंदे आए इन्हें मोटीवेट भी किया इंदे कम्मां दी सराह भी आओ, लेकिन की उम्मीद की एक्सपैक्टेशन रखदे हो कि अगे ये कियां एक्ट करन जां रिएक्ट करन? मेरी एक्सपैक्टेशन ये है और मैं को शायद बहुत जल्दी एक लेटर पर्सनल वाइस चांसलर्स की लिखूं कि मेरा 95 साल की उम्र च मेरा जिहड़ा तजर्बा है 75 साल की आज़ादी दिखी है डोगरें की हिस्टरी बाहर नहीं आई और ये थोड़ी जिम्मेवारी है कि लोगों की अपनी हिस्टरी के बारे में पहले पढ़ाओ समझाओ सिलेबस में आवै लोग PhD करन इहदे च। जनरल जोरावर सिंह कुत्थे लड़िया देखो अजकल स्टडी करो तुस जरा जिहड़ा साढ़ा वो है हाई ऑल्टीट्यूड की स्टडी करो उंदे कोल ते उन्ने दिनें है गया कुछ भी ना वो तिब्बत फतह करी आए 12 दिसंबर 1941 च लड़ाई लड़ी है जितते जितते हारी है पिछे गोली लगी। तो ये मैं चाहना भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ये जेड़े साढ़े कलस्टर यूनिवर्सिटी है इहदे च सैमीनार होन किताबां लिखिया जान उस कोला पहले जेड़ा कुछ लिखेदा है जेड़ा कुछ भी है या जेदे बोलने वाले जिन्हें स्टडी की उन्हेंगी आनी है तो स्टूडेंट्स की अवेयर भी करवाया जा और उन्हें तैयार किया जा वरना ये और 10 साल नहीं होया तो डोगरा हिस्ट्री जिहड़ी अजें भी असें पता है वो लुप्त हो जाए। पद्म श्री मोहन सिंह सलाथिया और हूँ इसी तुस चेचा आखी लाओ कोइंसिडेंट ही आखी लाओ त्रीए चौथे दिन दूई त्री मीटिंग है और परतिए एक बारी डोगरी उपर गल्लबात करचै। अज बड़ा अच्छा एक किताब जिहड़ी है वो तुसें विमोचन करवाई इत्थै पढ़ा करो डोगरी उपन्यास की गल्लबात है हुण क्यों मतलब कि डोगरी विशे पई हुण सारे ही खिच्चन पहले जम्बाल साहब ही खिच्चे अज शाम लाल शर्मा ने भी ली आंदा तुसें गल है कि डोगरी दे ये पिछे बहुने वाली गल नहीं है ये डोगरी दा मान सम्मान डोगरी की समझने की गल और अपने आप उपर फखर करने की गल दो उपन्यास अज उनका विमोचन होया दो रिलीज होए दो एक है राइटर दिन सुरिता डॉक्टर सुरिता दे बेसिकली ये पढ़ांदियां कॉलेज पर पढ़ाना एक गल है तो लिखना दूई गल है ये लिखा कर दियां
और जिहड़े नवे लोग साढ़े उहदे च वड्डी गल इह है कि डोगरी दे लेखन च साहित्य च जिहड़े होर लोग आवा करदे न उहदा स्वागत करना चाहिए विस्तार होआ करदा उहदा स्वागत करना चाहिए। गल इन्नी है शामल होर आए दे जां जनरल साहब आए दे फिर कुलभूषण होर आए दे ये जिहड़े लोग डाइस उपर बैठे दे उहदे नाल विस्तार दा इशारा उधर है और एक जिहड़ी ये सारियां गल्लां न देखो एक गल तो तुसें उत्थें दिखी कि सारे ते सारे लोग जिन्ने भी बोलन वो डोगरी आस्ते फिक्रमंद है जानकार ते चिंतित हाँ उन्दे च अंदर एक अगन ही कि ये जेकर बाई दी साढ़े कन्नै कुतै ना इंसाफी होआ करदी है ते कसूरवार कौन है जिसलै तुस कसूर तुप्पना शुरू करी दिंदे हो डायग्नोज बीमारी दवाइयां कन्नै नहीं जंदी पहले डायग्नोज करने पौंदा ते उहदे मुताबक दवाई ते फिर गल बनती है नहीं तो छड़ियां दवाइया फकते रहो तो उहदे कन्नै गल नहीं ना बनती पहले बीमारी है कुत्थें है इहदियां जड़ां कुत्थें न वह जड़ां तुप्पने की कोशिश की जा करती है तो जड़ां तो साढ़े अंदर न साढ़े घरें च न जिहड़ियां असें गै राही दियां न असें गै कुसा दूए ने किश भी असीं आखिया दूआ थोड़े साढ़े घर आई है शामला शर्मा ने गलबात करा ना भी ये बोला दे नहीं है ना जिहड़ा अपनी गल कसूर है और दूई गल साढ़े च थोड़ी जी एक जिहड़ी खामी है उसी भी असें दूर करना पौग जिहड़ा अस अपना दोष दूए दे सिर मढ़ने आ बाई दी वे जेकर जियां मैं आखा कि हाँ जी महाराज मेरे ञाणे जिहड़े ने ओह डोगरी नहीं बोलते तो मिगी इ'यां आखना चाहिए कि मेरे मैं अपने ञाणे की डोगरी नहीं सिखाई ञाने सिरा पर सुटते ञाने सिरा पर सुट ञाने के सिरा पर की ञाने का केह कसूर है अस असें उनेंगी सिखाई गै नहीं जेकर एह् साढ़े मतलब कि मैं हुन इसी ज्यादा केह् आखा मतलब कि साढ़े अग्गे पिछे होया ना तो इ'यां घर आह्ले ते इ'यां बोलदे न गलत बोलते ना घर डोगरी छड़ी कम पर बोलते उन्न करी ओड़िया साढ़े च एक जनरल टेंडेंसी है कि इं अपनी अपनी नहीं मननी दुए वो महाराज उन्ने इं किया मैं थोड़े किया पर एक गल तो सामने सामने लब्भा करती है कि ञाने का कसूर तो हो ही नहीं सकता डुगर समाज नवा एक बदलाव दिखा बदलाव दौर से जा बिल्कुल बदलाव के दौर पर जा और उसी जाना चाहिए और उसी एक गल समझनी चाहिए देखो दूई गल एक होर है जिसलै असें जेकर गलती की है और हम पता भी लगी है कि मैं गलती की तो उसी गलती की सुधारने के शर्म है सुधार लेनी चाहिए मैं जेकर उस वेल जाने अनजाने के बच्चे ज लोगों की देखा देखी ऐसा करी गैठा कि मैं अपने घर भी इं करी ओड़िया इं दूआ जहा माहौल बनाई ओड़िया घरू नहीं बाहरी माहौल बनाई ओड़िया अच्छा मैं तुम्हें ना एक सवाल बार बार करना ना किताबा का विमोचन करवाते हो रीडर कि डेवलप करने वे पर कोई गलबात होती नहीं इतना बिल्कुल होंगी है उस भी चिंता का विषय है क्योंकि दो त्रै चार गल्लां पहली गल तो है कि साड़ा पहला टारगेट होंदा लाइब्रेरियों पर जड़ा गौरमेंट दी लाइब्रेरियां उत्थें भी थोड़ा जिहा साढ़े कन्नै जां भेदभाव गै आखी लो होआ करदा बिल्कुल बिल्कुल हुण लगा चिंता होआ दी है चिंतन भी होआ दा हुण लगा हाँ इस ये मैं तुसें गी दस्सना मैं अपनी गल दस्सना कदें लाइब्रेरी रणवीर लाइब्रेरी च वो 40 लाइब्रेरियां हियां ते 80 कताबां लई लैंदे हे कि दो दो कापियां गईयां चल गल खत्म होई गई साढ़े डिवीजन च जम्मू डिवीजन च 40 न उहदे बाद ओह वधियां लाइब्रेरियां ते वधियां पर कताबें दी जिहड़ी उंदा जिहड़ी लैणा हा कताबां ओह घटी गिया ओह जिहड़ा घटिया होया कि किश अपने गै लोकें साढ़े च जिहड़े बड़े अजीब जिहे वहम ने जियां बंड कि ओह महाराज ओकड़े इलाके च डोगरी कताब नहीं भेजनी ओकड़े च नहीं भेजनी भाई तुस अपने ठेका है ओकड़े च नहीं भेजनी ओकड़े नहीं भेजनी होई सकता हुण इत्थें साढ़े कोल साढ़े इलाके च बाई दी बे दूइयां कताबां जिहड़ियां आवा दियां साढ़ा मेरा मन है होई सकता मैं ओह भी पढ़ा दूआ यह है कि एकड़ी गल एकड़ी बंड करने आह्ले तुस कौन हो कि साढ़ा एह पूरा इलाका साढ़ा गै इलाका ते साढ़ी गै साढ़े च गै बंड तुस कर आई जाते करन लगे महाराज एह् नहीं इधर नहीं एकड़ी लाइब्रेरी च की नहीं हुण इस वेले एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी लागू हुई है होनी है जिस बारे शामला शर्मा ने भी पूछा तुसें भी पूछा इ'यां भी बड़े बारी अग्गे पिछे पुछने की कोशिश करन अदर टंग च डोगरी लैंग्वेज मदर टंग च हिंदी ये लिखाई जा दी स्कूलें च क्यों जेडे गलत लिखा करदे ने जेडे मदर टंग हिंदी की फर्क पौंदा जेडा मैं भी बड़े कन्नै गलबात करदा ना वो मतलब कि उन्हें उन्ना वो दिमाग उस मतलब कि इन्ने इनलाइटेड नहीं है निगा की फर्क पौंदा दोए दे लैंग्वेज लिखवा दी मदर भी लिखवा दी अदर भी लिखवा दी नहीं मदर लैंग्वेज जड़ी है उदे च देखो हिंदी सब बाकी सारी गल्लां ठीक लेकिन गलबात यह है कि इहदा दूआ अगर लॉजिकल और बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट देखा जा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर वो बच्चे ही डोगरी पढ़ाते मदर टंग कोई भी चाहे कश्मीरी पढ़ाते हैं तो उन्हें टीचर चाहिए
और ओबियस है कि जम्मू के अंदर जो डोगरा हटलैंड है टीचर तो बड़े घट ने स्कूलें और दुई बखी माँ प्यो की जी है वह जिम्मेवारी घटी जाती है पंजवीं तक डोगरी सिखाने की स्कूलों की बधी होंगी है तो कुछ नहीं देखते दे, उन्हें नवे टीचर रिक्रूट करने पड़े तो सोचते हैं हिंदी कहने काम चला दो त्रै गल् ये हैं दो त्रै गल् हैं कि बेसिकली देखा जा तो एजुकेशन के ना पर अज दुकाना मत गया दुकाना बड़िया बड़िया दुकाना कोई इं निकी सारा सारा कुछ साढ़े को ना पहले अस किश लोग हसते होंगे हे कि महाराज ये के हट्टी है इं जो उधमपुर शाहीन आली हट्टी वो कि बाद च पता लगे उधमपुर शाहीन आली हट्टी की आखते हैं कि अहें जी बूट भी इतों ले लो टाफिया भी उतों ले लो कपड़ा भी उतों ले लो छतरी भी उतों ले लो मतलब सारा पॉइंट शाह वन पॉइंट ये स्कूल जोड़े ने ये उगन ये छड़ा पढ़ाते नहीं हैं आखते किताबा भी साढ़े को लाओ वर्दियां भी साढ़े को लाओ बूट भी साढ़े को लाओ जराबा भी साढ़े को लाओ डोगरी गल नहीं लाओ फिर डोगरी गल रुकी डोगरी की गल ये है कि नहीं एकड़ियां गल्लां करिए उनेंगी डरांदे पेरेंट्स की डरांदे उनेंगी उनेंगी दाबे च रखे दा जबकि पेरेंट्स की एकड़ी गल नहीं समझावा करती कि थोड़े पैसे कन्नै ये पला करदे ने ये बिल्डिंगां जिहड़ियां चाढ़ा करदे ने ये जिहड़ियां कारां झूटा करदे ने ये घर जिहड़ी रोटी खा करदे ने बड़ियां फाइव स्टारें च बेहिया ये थोड़े पैसे कन्नै ने ते थोड़े पैसे कन्नै थोड़े बच्चें की ये सुधारा नहीं करदे हैन ये एक साबा कन्नै बगाड़ा करदे ने जेकर तुस अस जां पेरेंट्स जिहड़े ने अज जेकर मेरे माँ प्यो मेरे कन्नै डोगरी नहीं बोलते मी नहीं सिखाई दी होंदी ते अज मैं इत्थे थोड़े सामने बिल्कुल नहीं होंदा तुसीं मेरे कन्नै सवाल जवाब नहीं करा दे होंदे मैं पता नहीं केड़ी नुकरा जोना हां बड़े कक्ख नहीं होना मैं अपनी भाषा की वजह कन्नै अपने लोकें की वजह कन्नै इत्थे आया ते तुस भी गल करा करदे हो वो जिस जनरेशन की ये अपनी भाषा कोला अपने लोकें कोला अपनी संस्कृति कोला नखेड़ा करदे ने सारों कोला बड़ा जुर्म तो यह है और जे एकड़ी गल जिस दिन पेरेंट्स की पता लगी गई और उन्हें उन्दियां अक्खां खुल्लियां तो इंदियां हट्टियां बंद हो जाणियां पहली गल और दूई गल कि जिहड़ा सब्जेक्ट हुण डोगरी है जां एक पॉलिसी है साड़ी सरकार साड़ी सरकार की ये पॉलिसी है तो जेकर साड़ी सरकार की पॉलिसी की ये लागू करने की बजाए उसी लोकें की भुलेखा पांदे न गुमराह करदे न तो क्या ये जुर्म नहीं है जेकर एक चंगा भला हुण मेरे को मेरे फार्म से जेकर लिखाए उन्हें मेरे को जी हाँ जी मेरी मातृ भाषा डोगरी नहीं कुछ होर है तो मिगी तो इन्हें गुमराह किया तो जिस दिन मिगी एकड़ी गल्ल दा पता लगी है तो मैं कोर्ट च गया तो फिर क्या करंगन मैं सुधार अपने आप की सुधार भी सकना ना कि नहीं जी मेरे को गलती कने लिखोई जां इन्हें गलती कने वोट बनाने वाले उन्हें भी वह भी करते कई बार इस चाली दी गल है तो वह सवाल यह है कि इनेंगी जेकर डोगरी इत्थों का इस जगह का इत्थों के लोगों को खा करते अपन कारोबार चला यह कारोबार है इसी ये कोई वो नहीं है गुरुकुल कांगड़ी कि हाँ जी शिक्षा दया करते अपने बच्चे की फ्री ये कारोबार है तो कारोबार जिस जिन्हें लोगों के सिरा पर चला करते हैं जो उनकी गुमराह करन उनकी भाषा कन्नै द्रोह करन उन्हें के प्रॉब्लम है डुगर मंच ये जो बखरे बखरी संस्था ने वह सामने क्या लेनी आती कोई ऐसी गल नहीं है सामने आने की अस आखा करने मैं आखा करा ना तुम्हें सामने एकड़ी गल कि इनेंगी चाहिए है कि इमीजिएटली जेकर ऐसा ये करा करते हैं बाई दी जेकर ऐसा करा करते हैं तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए इनकी लैने दे देने पई जाँगन बाकायदगी कन्नै क्योंकि अजें तक उपर ने ना वो गल तो जेकर हुई तो इनकी लैने दे देने पई जाँगन बाकायदगी कन्नै एक क्रिमिनल एक्ट के तहत अपने इंदे स्कूल भी बंद हो सकते हैं जेकर ऐसा कर देन ते अच्छा एक बड़ा सवाल है डोगरी पर काम करते हो अगर हुण डोगरी च न्यू एजुकेशन पॉलिसी मदर टंग उपर जिहड़ी बकरे रिक्रूटमेंट तो एक्सपैक्ट करते हो कि आने वाले टाइम च जम्मू के अंदर क्योंकि इत्थे डोगरी दी मदर टंग जिहड़ी है डोगरी है साड़ी तो रिक्रूटमेंट जिहड़ी है डोगरी वधी सकदी स्कूलें च बिल्कुल बिल्कुल बद डोगरी दी अपने सिर्फ स्कूलें च गै नहीं बाकी भी क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है इसलिए सिर्फ मदर टंग का सवाल नहीं है ये इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज है तुस जेकर चाहो सारे दे सारे तो थोड़े दफ्तरें दे विच तुस जेकर अपने कोई कुसा गी डीसी गी एप्लीकेशन लिख दो तुस डोगरी च लिख दो डीसी गी डोगरी नहीं आती उन्हें डोगरी वाला रखने पैना रीडर बिठाने बहु बिल्कुल नवीं भर्ती होनी बिल्कुल हो इस करिए डोकें गी एकड़ी गल भी समझनी चाहिए कि इस साडे वास्तै एक बड़ी बड़ी गल है ये साढ़े वास्तव बड़ी बड़ी गल है हालांकि जी पांच ऑफिशियल लैंग्वेज और एक मदर टंग जी जम्मू के डोगरे की डोगरी भी है और कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट की जी अपरचुनिटी है नौजवान जो डोगरी जानकार होंगे होआ दी है और मेरे कन्नै अज गलबात करा दे मोहन सिंह सलाथिया और पद्मश्री अवार्डी और इन्हें नाँ की सनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है डोगरी अठवें शड्यूल से तुहें पजाया
हूँ तुम्हें लगता कि हूँ घर घर भी डोगरी ते दफ्तर दफ्तर भी डोगरी तुम्हें एक बार परतियै पजाने पौग सारे रलिए पजाने पौग कल्ले दा कल्ले ओह भी अपने नहीं ना लेकिन लगता परतियै बिल्कुल तुम बोला रिक्रूटमेंट भी बदनी है तो डीसी एप्लीकेशन लोगों की समझने की जरूरत है लोगों तक एक गल पजाने की जरूरत है ताकि सोगे हो जोड़े वो इं सोते दिन ना वो इं अपने सुत नींदरे हुए दिन कुंभकर्णी नींदरा जो उन्हें थोड़ा जहा ढोल ढोल बजाइए जगाने की जरूरत है सवाल रोक देंगे ना जो कताबा विमोचन होंगे ना वो आखिर अस अपनी किताब विमोचन कर रहे हैं गल इतने डोगरी की पाई लेंदे चक्कर ऐसा गल यह है कि कुसा ब्हाने कन्नै कोई देखो साढ़े अंदर बड़ा किश है असल च अस मतियां गल्लां जिहड़ियां ने वो शेयर करना चाहते एक दूए कन्नै तो कोई असें प्लेटफार्म मिलता नहीं वह जिसल प्लेटफार्म मिलता तो अस एक दूए कन्नै अपने दुख सुख फरोलने कोई माड़ी गल नहीं है वो अच्छी गल है तो तुम सुना दे बड़े अच्छे विचार भी हैं इन्हें हालांकि अठवें शड्यूल से डोगरी बजाया और अज की डेट से जिसल भी किताब विमोचन होंगी है एक चर्चा का विषय जरूर होंगे डोगरी अगर कि बताना और होना भी चाहिए नो डाउट कोई गलत गल नहीं है और सरकार ने इनिशिएटिव लिया तो साढ़े बखे लोगों इनिशिएटिव लेना चाहिए तुम्हें जी वैल्यूबल राय जरूर कमेंट सैक्शन कमेंट करिए सुनाओ वीडियो लाइक तो शेयर करना भूलो जुड़े रहो गिरजम वर्चुअल कन्नै कैमरन राकेश खजूरिया कन्नै मैं पंकज खजूरिया जय हिंद।